भाई साहब सबके लिए आज लेकर आया हूँ मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन कराने के लिए। आप सब मेरे नए वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए और बताइए कैसा रहा। इस टाइम हम लोग दशाश्वमेध घाट से एंट्री लिए हैं जो कि एक और ये सब देख लीजिए पूरा बनारस का सीन है। ये मेरा दोस्त है राहुल, मेरा भी नाम राहुल और उसका भी नाम राहुल। और वो रहा काशी का टेंट सिटी, आप देख सकते हैं टेंट सिटी अभी दिख नहीं रहा, मैं उस एरिया को आप सबको पूरा दिखाता हूँ, पूरा डिटेल्स में बताऊँगा इस वीडियो में। भाई से देखिए हम लोग काशी में अभी एंट्री लेंगे, उसके पहले मैं आप सबको काशी करवट घुमा देता हूँ। देखा है वो सामने टेंपल दिख रहा है आपको काशी करवट का। भाई से जो पिलर्स लगा है इसमें लेजर लाइट्स लगी है, लेजर लाइट्स वो होता है। और ये देखिए मेरे सामने मणिकर्णिका घाट है, तो आइए मैं आप सबको मणिकर्णिका घाट घुमा देता हूँ पहले। तो गाइस आप सब देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट पे है चिताया जल्दी, जिसके लिए सब मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं यहाँ पे। तो गाइस हर एक इंसान की इच्छा रहती है कि उसके अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पे हो। देखे यहाँ पे दाह संस्कार हो रहा है, बारिश के टाइम ये ऊपर में होता है, अभी तो फिलहाल बारिश नहीं है, पानी कम होने की वजह से भी नीचे ही सब कर रहे हैं, नहीं तो जो लोखन की बनी है इस पे ही होती है दाह संस्कार। काशी करवट है फिलहाल आप देख सकते हैं, ये बारिश के सीजन में आपको ये ऊपर वाला टीला ही दिखेगा। कभी आप बनारस में विजिट कीजिए तो आप इसको जरूर देखें काशी करवट, इसको मैं आपको चारों बगल से दिखा देता हूँ काशी करवट को। ये देखो काशी करवट का मेन एंट्री है, अभी तो फिलहाल ये गेट वेट बंद हो गया है दोस्तों, आप सब कोई विजिट कीजिए। देखो ऊपर का एक मीनर टूट चुका है, काशी करवट के मेन गेट पे आ गए जो ऑलरेडी डूब चुका है, मिट्टी की परत उसको जम चुकी है, ये अभी हटेगा नहीं, अभी धीरे धीरे उसका साफ सफाई काम चालू है। आप सब देख सकते हैं मेन गेट है ये काशी करवट मंदिर का। इस साइड में गंगा जी है, आप इस साइड से भी देख सकते हैं, यहाँ पर नाव भी चलती है जो आपको 50 रुपये लेगा, 80 घाट से लाके छोड़ेगा काशी विश्वनाथ, काशी करवट भी और काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करा देंगे ये लोग। ये सब बारिश के सीजन में डूब जाता है, बस ऊपर का लास्ट जो झंडा वाला दिख रहा है वही टीला दिख मिलेगा जो रखा है मूर्ति वहाँ पे, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का। उसके बाद यहाँ पे त्रिवेणी में तो भवन है, फिर उसका ये सब सीढ़ियाँ हैं, आप इस सीढ़ी से चढ़ के ऊपर मंदिर परिसर में जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग और आगे देखते हैं कहाँ तक मोबाइल अलाउ रहता है मंदिर परिसर में, वहाँ तक चलते हैं। तो गाइस हम लोग मंदिर परिसर में आ गए सेकंड चौक पे। गाइस ये देखिए यहाँ का मंदिर के अंदर का परिसर का मैप है, आप कोई प्रॉब्लम ना इसके लिए यहाँ पे मैप बना के रखे हैं, आप जैसे आएंगे आपको सब कुछ दिखेगा, यहाँ पे पूरा मैप है इसमें। तो गाइस हम लोग आ गए हैं मंदिर के परिसर में और देखिए सेकंड चौक पे सोमनाथ भवन है, आप यहाँ से एंट्री करते हैं सीधे सीधे जाएगा मंदिर परिसर, सामने वो मंदिर दिख रहा है। फिलहाल देखते हैं माता का मंदिर लगा है फोटो, और देख सकते हैं पीछे उनका मंदिर भी बना है। तो और आगे आएंगे मंदिर के करीब तो आपको रामेश्वरम भवन मिलेगा, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, अंदर आपको मंदिर दिख रहा होगा, तो दिख रहा होगा वो, देखो मंदिर दिख रहा है। फिलहाल अंदर तक मोबाइल अलाउ नहीं है, हम अपना मोबाइल जमा कर देंगे। भाई देखिए मंदिर में परिसर में काफ़ी जगह हुए, फिलहाल तो पहले कोई जगह नहीं था, उधर से देखिए अमृत भवन है, अभी बहुत सारा जगह हो गया है मंदिर परिसर में। भाई से देखिए एक नंबर गेट है, हम लोग यहाँ से एंट्री मारेंगे, अभी सामने का गेट बंद, दूसरे साइड से हम लोग एंट्री लेंगे, अंदर ही फोन जमा होगा। ये देखिए सेकंड मैप का नक्शा आपको मिलेगा, पूरा मंदिर परिसर में आपको नक्शा मिलेगा। देखिए गाइड से नोटिस पढ़ लीजिए क्या है क्या नहीं, क्या अंदर ले जाना है क्या नहीं, सब पूरा सूचना लिखा है। इस परिसर के अंदर मोबाइल कैमरा फ़ोन पेन डिजिटल घड़ी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी चाबी सामान अन्य प्रतिबंधित है, जैसे गुटखा तंबाकू पान सिगरेट बीड़ी इत्यादि पूर्णतः ले जाना मना है। गाइस हम लोग एक नंबर गेट से एंट्री मार लिए हैं काशी विश्वनाथ परिसर में, हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर स्मार्ट वॉच हमारा निकाल के जमा करना पड़ा, इसके लिए हमको रिटर्न जाना पड़ा। गाइस ये देखिए जमा करने के लिए प्रसाद लेना पड़ा, आगे चल के आप सबको दिखाते हैं वीडियो। तो गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं, देखिए अब देखते हैं अंदर का सीन। गाइस ये देखिए अंदर का मंदिर परिसर, अंदर अलाउ नहीं है फोन, इसके लिए हम लोग बाहर से शूटिंग करके आपको बता दे रहे हैं, मंदिर के सामने दिख रहा है आपको।